हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका विस्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के ऊपर, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, विटामिन्स के यहाँ पर दो लेक्चर होने वाले हैं आपके, विटामिन्स के दो लेक्चर होंगे। बट विटामिन्स का जो दूसरा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला आपका मेटाबॉलिज्म में। एक लेक्चर मैं यहीं पर कराऊँगा, दूसरा लेक्चर मैं इसका कराऊँगा मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पर आपको इसका विटामिन्स का एक लेक्चर करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ पर हम बायोकेमिकल जितने भी फंक्शन होते हैं, इन विटामिन्स के बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि FAN क्या होता है, FMN क्या होता है, FAD क्या होता है, NAD क्या होता है, NADPH क्या होता है। तो ये जो टर्म है, एसाइलेशन, ट्रांस एसाइलेशन, कार्बोक्सीलेशन, डिकार्बोक्सीलेशन, फास्फोरिलेशन, तो इन सब टर्म का मतलब जो है हम मेटाबॉलिज्म में समझने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए जो है ये बेसिक क्लास है बट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है आप जो है अभी तक आपने केवल दो ही चीज़ पढ़ी होंगी विटामिन्स में। एक तो विटामिन्स के साइंटिफिक नेम पढ़े होंगे, दूसरा पढ़ा होगा कि विटामिन्स में आपकी कौन कौन सी, अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। आपने इतना ही पढ़ा होगा, बट इस लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के लिए, ठीक है ना। तो विटामिन्स क्या होते हैं कि हमारे शरीर में नहीं बन पाते, ठीक है ना। ये विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं, बट विटामिन्स हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है ना, हमें डिजीज से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। बट एक एंजाइम्स ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बन पाता है, एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, सेम उसी टाइप से जो एक एंजाइम्स है उसकी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। उस विटामिन्स का नाम है आपका विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी। तो हम बात करेंगे विटामिन डी किस प्रकार से हमारी स्किन के थ्रू बनता है, कौन सी उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, कौन सी आपकी उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, लीवर और किडनी किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बाकी हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स देखने वाले हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स देखने वाले हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका ओवरऑल। अब चलते हैं थोड़ा डिस्कस, यानी कि ब्रीफ डिस्कस के लिए, ठीक है। तो एक डायग्राम स्टार्टिंग में ही आ जाता है आपके लिए कि देखो विटामिन्स जो होते हैं, पहली बात ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते, विटामिन की सबसे पहली बात ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते। और विटामिन्स जो है वे को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ठीक ना। विटामिन्स को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। अब ये को एंजाइम्स क्या होता है, तो देखो वैसे तो मैं आपको एंजाइम्स पढ़ाने वाला था, बट यहाँ पर मैं विटामिन्स क्यों लेकर के आया, क्योंकि ये विटामिन्स आपके एंजाइम्स की जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये जो विटामिन्स आपके एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, इसलिए मैं आपको विटामिन्स का यहाँ पर चैप्टर ले आया हूँ ये, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर इसको समझ लिया आपने तो आप एंजाइम्स को समझ सकते हो। तो देखो अब एंजाइम्स क्या होता है, मान लो ये आपका कोई भी एंजाइम्स है, ये कंप्लीट अगर एंजाइम्स है तो इसको बोलेंगे होलो एंजाइम्स। इसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स मतलब ये फंक्शनल एक्टिव है, बट अब ये कैसा है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है एपो एंजाइम्स, एक होता है आपका एपो एंजाइम्स, जो कि एपो एंजाइम्स का मतलब होता है कि एपो एंजाइम्स जो होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है ना, प्रोटीन का पार्ट होता है। और एक आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो आपका कैसा पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है ना। तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट आपका कोफैक्टर हो सकते हैं, वो नॉन प्रोटीन पार्ट आपका कोफैक्टर हो सकते हैं, या फिर आपके को एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, को एंजाइम्स आपके हो सकते हैं। तो हम अलग अलग जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तब हम यहाँ वहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। अभी आप याद रखना कि विटामिन्स जो है एक्ट एज ए को एंजाइम्स, विटामिन एक्ट एज ए को एंजाइम्स, और मोस्टली कहाँ पर, जो आपके बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम अभी बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स के लिए ये एज ए को एंजाइम की तरह
काम करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो विटामिन्स है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी वी कैन डिवाइडेड विटामिन्स इंटू टू पार्ट्स। वन इज वाटर सोल्यूबल एंड सेकेंड इज फैट सोल्यूबल। जो आपका वाटर सोल्यूबल होता है मतलब ऐसे विटामिन्स जो पानी में अच्छे से घुल जाएँ, ऐसे विटामिन्स जो पानी में अच्छे से घुल जाएँ उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। और ऐसे विटामिन्स जो फैट के अंदर, जो लिपिड के अंदर अच्छे से घुल जाएँ उनको बोलते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है ना। मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई सा भी विटामिन हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होता है एक्सेप्ट डी विटामिन को छोड़कर। विटामिन डी हमारे शरीर में मतलब बनता है, ठीक है ना। बट विटामिन डी भी हमारे शरीर में कैसा बनता है, इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव तौर से बनता है, बट इसको एक्टिव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लीवर किडनी के थ्रू, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, तो आपको एक्टिव फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर सोल्यूबल को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो सीधा सा फार्मूला है WBC, WBC यानी कि वाटर सोल्यूबल कौन से अमीनो एसिड होंगे, विटामिन वी कॉम्प्लेक्स, यानी कि वी में देखो बी विटामिन्स में आपके कॉम्प्लेक्स ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ विटामिन्स पाए जाते हैं, यानी कि विटामिन B1, V2, V3, V4 और V12 तक आपके जो हैं विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बट इम्पोर्टेंट आपके 7 विटामिन होते हैं, इम्पोर्टेंट विटामिन आपके 7 होते हैं जो हम मोस्टली पढ़ते हैं। हम कौन कौन से नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर 4 नहीं पढ़ते, ठीक है ना, 4 नहीं पढ़ते, 8 नहीं पढ़ते, 11 नहीं पढ़ते, ठीक है ना, ये आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और 10 भी नहीं पढ़ते, यानी कि विटामिन 4, विटामिन 8, विटामिन 11, विटामिन 10 आपने कभी भी सुने नहीं होंगे, ठीक है ना, कभी भी नहीं सुने होंगे। तो देखो जो वाटर सोल्यूबल है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो नॉन कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाता है, और विटामिन सी का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमने कहाँ पढ़ता, हमने पढ़ता कोलेजन में, ठीक है ना, कोलेजन में, जहाँ पर वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन को एक्टिव कर रहा था, यानी कि कोलेजन प्रोटीन हमारी कब बननी थी, जब वहाँ पर विटामिन सी प्रेजेंट था, जब वहाँ पर विटामिन सी प्रेजेंट था। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें B1, V2, V3, वायोटीन, पेंटोथेनिक और इसके अलावा आपका फोलिक एसिड, कोवेलामाइन, ये सारे आते हैं, ठीक है ना, ये सारे आते हैं, इन्होंने यहाँ पर लिख नहीं रखा। तो इस बी कॉम्प्लेक्स को भी एक्चुअली इन्होंने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एनर्जी रिलीजिंग, होम्योपैथिक एंड अदर्स। अब एनर्जी रिलीज कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि ATP होता है, ATP में क्या होता है कि आपको एनर्जी प्राप्त होती है ATP से, यानी कि इन विटामिन्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपका PI का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। ये PI क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन विटामिन्स के थ्रू कहीं ना कहीं इनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। वे कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1, V2, V3, वायोटीन एंड पेंटोथेनिक। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है थियामिन, वो होता है थियामिन, याद रखना। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है थियामिन। जो आपका विटामिन B2 होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 का नाम होता है निकोटीन या फिर आपका नियासिन। बायोटीन जो होता है आपका होता है विटामिन 7, ठीक है ना, विटामिन 7, ठीक है। इसके बाद पेंटोथेनिक, इसको बोलते हैं विटामिन 5, इसको बोलते हैं विटामिन 5, ठीक है ना। तो देखो आपको ये साइंटिफिक नाम अगर अभी तक आपकी याद नहीं है तो आपको ये मुँह जबानी याद होने चाहिए कि विटामिन B1 में थियामिन, विटामिन बी टू में राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को हम निकोटिनामाइड या फिर नियासिन के नाम से जानते हैं, बायोटीन आपका V7 के नाम से जाना जाता है, पेंटोथिक एसिड को हम विटामिन B5 के नाम से जानते हैं। देखो पेंटो मतलब फाइव, थेनिक आप याद रख सकते हो, विटामिन B5 को हम आपका क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, पेंटोथेनिक एसिड। अब दूसरे आते हैं हिमेटोपोएटिक। हिमेटोपोएटिक का मतलब क्या है, जनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है ना, जनरेट ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो आपकी ब्लड सेल्स जो भी बनती हैं उसको बोलते हैं हिमेटोपोएटिक।
यानी कि इसमें क्या है कि फोलिक एसिड मतलब विटामिन वी नाइन, ठीक है, याद रखना विटामिन वी नाइन को आपका फोलिक एसिड बोला जाता है, विटामिन वी ट्वेल्व को आपका कोवेलामाइन, ठीक है, विटामिन वी ट्वेल्व को आपको किस नाम से जाना जाता है, कोवेलामाइन, ठीक है ना। तो एक्चुअली साइंटिफिक नेम और अच्छे से आगे लिखे हुए हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको याद रखना। ये फोलिक एसिड आपका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना, फोलिक एसिड साइंटिफिक नेम है, इसको विटामिन नाइन के नाम से जाना जाता है, कोवेलामाइन का साइंटिफिक जो विटामिन ट्वेल्थ होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कोवेलामाइन, ठीक है ना, इसका साइंटिफिक कोवेलामाइन होता है। और हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल में और भी याद रखना कि जो आपका विटामिन सिक्स होता है, विटामिन सिक्स होता है वो भी इम्पोर्टेंट हेल्प हो निभाता है, मतलब हेल्पफुल होता है। और जो आपका विटामिन सी है वो भी आपका जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, विटामिन सी भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। हम जब आगे लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ेंगे तब हम रोल देखेंगे कि किस प्रकार से फोलिक एसिड, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन सिक्स, विटामिन सी आपका हिमेटोपोएटिक सेल्स बना रहा है, यानी कि ब्लड सेल्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इतनी बात याद रखना। इसके बाद अदर जो विटामिन्स होते हैं लाइक पायरोडोक्सिन को हम विटामिन बी सिक्स के नाम से भी जानते हैं, पायरोडोक्सिन को हम विटामिन बी सिक्स के नाम से भी जानते हैं। पायरोडोक्सल एक प्रकार से इस विटामिन सिक्स का ही मतलब डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है ना, पायरोडोक्सिन इस विटामिन सिक्स का ही डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके डेरिवेटिव्स हैं, पायरोडोक्सिन यानी कि विटामिन सिक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इतने सारे वाटर सोल्यूबल, इनके आपको साइंटिफिक नेम जरूर पता होने चाहिए, ठीक है ना, चाहे रात लगाओ दिन लगाओ साइंटिफिक नेम याद करो। इसके बाद फैट सोल्यूबल आ जाते हैं, फैट सोल्यूबल का जो आपका सूत्र है वो है एडक, ठीक है ना, उसका क्या सूत्र है, एडक, तो आप एडक याद रख सकते हो। जैसे वाटर सोल्यूबल में आपको याद रखना है डब्ल्यू वी सी, इसी प्रकार से आपको फैट सोल्यूबल में एक टर्म याद रखनी है एडक, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को देख लो कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वे कभी भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वे हमारे बॉडी में आपके क्या होने वाले हैं, वे स्टोर होने वाले हैं, ठीक है ना, स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, बट ऐसा नहीं कि बहुत हाई अमाउंट में स्टोर है, बहुत कम अमाउंट में स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो फैट सोल्यूबल हमारे जो आपकी जितनी भी फैट सेल्स होते हैं, जितनी भी आपकी फैट सेल होती हैं, इन फैट सेल में आपके विटामिन्स, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स पाए जाते हैं। और एक बात याद रखना कि अगर आपके ये फैट सोल्यूबल विटामिन की जो मात्रा है हमारे सेल्स के अंदर ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, ज़्यादा हो गई तो तब ये बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत बुरी बीमारी हमें कर सकते हैं। और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके फैट सेल में, ठीक है ना, ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, फैट सेल में। इसलिए जो मोटा व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति अनहेल्दी है, अनहेल्दी का मतलब यही नहीं होता कि आपका केवल व्यक्ति पतला है, अगर आपका आप जो व्यक्ति अगर ज़्यादा मोटा भी है, यानी कि उसके पास फैट सेल ज़्यादा हैं तो विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वे कहीं ना कहीं स्टोर होने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जो मोटे व्यक्ति रहते हैं वे जल्दी से थक जाते हैं, उनकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर उनके हार्मोन्स लेवल में चेंजिंग देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना, और बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा काम ये होता है, जो फैट सेल्स होती है एक प्रकार की जो होती हैं, आप समझ सकते हो कि डिजीज सेल ही हैं, ठीक है ना, फैट सेल मतलब डिजीज सेल, यानी कि बीमारियों का घर होती हैं ये फैट सेल। इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा चर्बी शरीर पे नहीं होना चाहिए, इंसान को फिट होना चाहिए, ठीक है ना, वो भी नहीं कि ज़्यादा ही पतले होते जा रहे हैं कि माइनस में होते जा रहे हैं, और वो भी नहीं कि ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, इंसान को फिट रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि फैट सेल में आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वे स्टोर हो रहे हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन्स, याद रखना विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, ओ
एल ओ एल, ठीक है ना, एंड बीटा कैरोटीन्स। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कोल कैल्सी फेरोल, कोल कैल्सी फेरोल। एक्चुअली कोल कैल्सी फेरोल जो है हम विटामिन डी थ्री को बोल देते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन डी थ्री को। विटामिन डी टू को क्या बोलेंगे? विटामिन डी टू को हम अर्गोस्टोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना, विटामिन डी टू को हम अर्गोस्टोल के नाम से जानते हैं। विटामिन के को हम, विटामिन के का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है फाइलोक्विनिन्स, फाइलोक्विनिन्स। एक्चुअली फाइलोक्विनिन्स विटामिन के वन होता है, विटामिन के वन होता है। और जो आपका मीनाक्विनिन्स होता है ये होता है आपका विटामिन के टू, विटामिन के टू, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रखना। विटामिन ई को जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल, वो कौन सा होता है? टोकोफेरोल्स। तो साइंटिफिक नेम आपको जरूर 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 याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पहला स्टेप है विटामिन्स है, यानी कि साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात होगी तो पहला काम आपका साइंटिफिक नेम आपको हर किसी विटामिन्स का याद होना चाहिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं एंड डाइट्री सोर्स लिखे हुए हैं और कुछ इनकी रिएक्शन लिखी हुई हैं। तो देखो वैसे तो ये इतना यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। जैसे कि आपका ए का नाम क्या है? रेटिनोल हो सकता है या फिर कैरेटिनोइड्स हो सकता है, सॉरी कैरोटीन हो सकता है, ठीक है ना। विटामिन बी वन का नाम थियामिन, विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन बी थ्री का नाम नियासिन, विटामिन बी फाइव का नाम पेंटोथेनिक, विटामिन सिक्स का नाम पायरोडोक्सिन, विटामिन बी सेवन का नाम बायोटीन, विटामिन बी नाइन का नाम फोलिक एसिड, बी ट्वेल्व का नाम कोवेलामाइन, सी का नाम एस्कोरविक, डी थ्री का नाम कैल्सी फेरोल। देखो कैल्सी फेरोल, डी टू का नाम क्या बताया मैंने? अर्गोस्टोल, ठीक है ना, अर्गोस्टोल या फिर अर्गो कैल्सी फेरोल भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल, विटामिन के वन का नाम आपका फाइलोक्विनिन और विटामिन के टू का नाम मैंने आपको पीछे बताया है, तो आप पीछे वाली स्लाइड में एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात याद आ गई। अब ये मिलता कहाँ पर? बेसिकली इनका सोर्स क्या है, डाइट्री सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो याद रखना, इस डी को छोड़ करके, इस डी को छोड़ करके हमारे अंदर जितने भी अदर विटामिन्स हैं, यानी कि एक विटामिन डी ही केवल हमारे शरीर में बन पाता है, बाकी इन सभी विटामिन्स को हमें बाहर से जो है लेना पड़ता है। उसमें भी याद रखना, जो आपका विटामिन सी है, जितने भी आपके खट्टे फल पाए जाते हैं, उन सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है, लाइक लेमन्स यानी कि नींबू, सेब, संतरा, आंवला, इनमें आपका क्या पाया जा रहा है? विटामिन बी सिक्स पाया जा रहा है। विटामिन बी कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन बी वहाँ पर पाया जाता है, यानी कि विटामिन बी आपका मिल्क में, स्पेशली कहाँ पर? मिल्क में पाया जा रहा है, ठीक है ना। मिल्क में आपका विटामिन बी पाया जाता है स्पेशली। विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन ए आपका मोस्टली जो सब्जी होती है, जो आपकी सब्जी होती हैं वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ये मेजर सोर्स बता रहा हूँ मैं आपको, मेजर सोर्स, ठीक है ना। वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं वेजिटेबल। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, इसलिए मैं अधिकतर हिंदी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं प्राउड फील करता हूँ हिंदी का यूज करते हुए, ठीक है। तो इसके बाद जो विटामिन ई है, विटामिन ई आपका जितना भी ऑयली है, ऑयल, ठीक है ना, जितना भी ऑयल है उसमें पाया जाता है, वो भी ऑयल किसका? एनिमल का, ठीक है ना, ऑयल किसका? एनिमल का, ठीक है। इसलिए इसको आप याद रखना, विटामिन ई को। विटामिन के कहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि जिस फल में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बहुत भरपूर मात्रा में हो, जैसे केला, ठीक है ना, जैसे कि केला, ठीक है ना, केले में आपका विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बाकी और सोर्स भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। मीट में तो खैर मिलता है आपका कुछ ये, बट ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मेजर सोर्स हैं, ठीक है, ये मेजर सोर्स हैं। अच्छा, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं वो देख लो, डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं। तो देखो भाई, अगर हीट करेंगे तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। अगर हमने किसी भी विटामिन्स को हीट कर दिया तो ये हमारे विटामिन्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपको दोनों के बताना है कि अगर हम सब्जी को धोते हैं, अगर हम सब्जी को धोएंगे तो सब्जियों में से कौन सा विटामिन लॉस हो जाएगा, या फिर अगर हम जैसे कि
या फिर अगर हम चावलों को धोते हैं, जब चावल धो के बनाते हैं ना, जब हम चावल धो करके बनाते हैं तो कौन सा विटामिन हमारा लॉस हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ज़रूर बताना है इन दोनों के आंसर कि जब हम सब्जी को धोते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन लॉस हो जाता है, और जो हम चावल धोते हैं, जब चावल धो धुल करके बनाते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है ना, गूगल की सहायता लो और ये इसका जवाब मुझे आप दो। ठीक है, अब याद रखना, स्पेशली स्पेशली जो विटामिन ए होता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पार्शली हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पार्शली हो रहा है, तब भी विटामिन ए आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद आपका जो विटामिन सी है, विटामिन सी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब भी जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम आपका विटामिन ई के साथ होने वाला है कि अगर ऑक्सीडेशन हुआ इन विटामिन्स के अंदर तो आपका ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अब इस डायग्राम को भी हम समझ रहे हैं, समझ गए हैं। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना, ठीक है ना, जरूर याद कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखो, अब आती जाती है आपके लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड। ये स्लाइड आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए, मुँह जवानी आपको ये याद होनी चाहिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पर विटामिन्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर साइंटिफिक नेम है, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शन है, एंड यहाँ पर इसके फंक्शन है। यहाँ पर क्या है, इसके फंक्शन है। तो आपको एक एक बात पता होनी चाहिए, चाहे आप इसमें पूरा दिन ले लो, ठीक है ना, चाहे इसमें आप पूरा दिन ले लो, क्योंकि देखो विटामिन्स आप स्टार्टिंग से लेकर के अब तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे, विटामिन्स जो अपने बचपन से लेकर के अब तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक हो जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसलिए आपको विटामिन्स को दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इस बार विटामिन्स को ऐसा पढ़ लो कि अगर आप दोबारा पढ़ो तो इसी को पढ़ो, कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो देखो, जो विटामिन ए होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, या फिर एक और साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोल, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं रेटिनोल। मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ, रेटिनोल, ठीक है ना, रेटिनोल। ठीक है, इतनी बात पता चली। अब इसकी दो, जो विटामिन ए होता है उसकी दो एक्टिव फॉर्म होती है, दो एक्टिव फॉर्म होती है, एक होती है रेटिनल, एक होती है रेटिनोइक एसिड, एक होती है रेटिनल, एक होती है रेटिनोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CSIR में और GATE में इन टर्म के ऊपर ही पूछा जाता है, इसलिए मैं टर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाना चाहता हूँ आपका। रेटिनोल क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, जबकि रेटिनल एंड रेटिनोइक क्या होती है, ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नेम और एक्टिव टर्म में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आपका रेटिनल होता है वो क्या काम करता है, वो आई साइड यानी कि आपके जो है आँखों के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द न्यूरॉन सिग्नल। न्यूरॉन सिग्नल में जब हम रोडोप्सिन सिग्नलिंग पढ़ते हैं, जब हम रोडोप्सिन सिग्नलिंग पढ़ते हैं, आई होप आपने पहली बार नाम सुना हो या फिर लास्ट बार, मतलब पहले से सुन रखा हो नाम, तो हम रोडोप्सिन सिग्नलिंग को यूनिट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। और तब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो विटामिन ए होता है वो किस प्रकार से आपके साइडनेस यानी कि आँखों, जो हमें कुछ भी चीज़ चमकती है रोड एंड कॉर्न सेल की सहायता से, तो विटामिन ए किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। बट यहीं पर याद रखना कि रेटिनोइक जो होता है, जो रेटिनोइक होता है वो आपका ग्रोथ फैक्टर होता है। रेटिनोइक कैसा है, ग्रोथ फैक्टर है, और ग्रोथ कहाँ पर होनी है आपकी, टीशू ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। टीशू मतलब आप हम कह सकते हैं कि सेल की ग्रोथ, ठीक है ना, टीशू मतलब सेल की ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये दो विटामिन ए हो गया आपका। जैसे कि आपको पता है कि कल आपको जो कोई भी लेक्चर नहीं मिल पाया, तो टेक्नोलॉजी के अपने ही फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे पिछला लेक्चर भी जो आपको मिला वो भी मैं पढ़ा चुका था, ये दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस लेक्चर को भी मैं इस समय पर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि अभी जो है ना, मतलब इधर उधर को मैं जो देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सिस्टम सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, सही से रिकॉर्डिंग हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही, बट उसमें भी थोड़ा ना इधर उधर एरर आ ही जाता है।
ठीक है, लग रहा है थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं 2 घंटे से इसमें ही लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। 2 घंटे से मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा दिया बट अभी देखा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से जो है गायब है, ठीक है ना। तो वैसे मैंने सब चीज़ पढ़ा दिया था, तो मैं आप समझता हूँ कि मैंने आपको विटामिन ए के बारे में पूरा पढ़ा दिया, ठीक है ना, विटामिन ए के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं विटामिन B1 से। तो विटामिन B1 का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं थियामिन, उसको क्या बोलते हैं, थियामिन, ठीक है ना। और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है इसको बोलते हैं थियामिन डाइफोस्फेट एंड थियामिन पायरोफोस्फेट। TPP मतलब थियामिन पायरोफोस्फेट एंड TDP मतलब थियामिन डाइफोस्फेट, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर आपको आपने जो है सिंपल सा जो है अपनी जो पिछली क्लास होंगी उनमें विटामिन्स की डिजीज और विटामिन्स के साइंटिफिक नेम ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पर एक्टिव फॉर्म भी याद रखनी है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी याद रखने हैं एंड बायोकेमिकल फंक्शन भी याद रखने हैं, क्योंकि ये आपका CSIR NET है और यहीं से आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, यहीं से आपका पूछा जाता है। तो विटामिन B1 जो है वो उसका जो एक्टिव फॉर्म होती है वो थियामिन यानी कि TPP एंड TDP होती है, ठीक है ना। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है जो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन रहता है डीकार्बोक्सिलेशन का। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या वाला है कि मान लो आपकी ये कोई रिएक्शन हो रही थी, ये कोई आपका सब्सट्रेट था, ठीक है ना, ये कोई आपका सब्सट्रेट था। जब इस सब्सट्रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है, जब इस सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, सब्सट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, हम एंजाइम्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से अगर सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनना है और अगर हमारी CO2 रिलीज होती है, अगर हमारी CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। जबकि एक और हमारा V1 जो है बायोलॉजिकल फंक्शन में हेल्पफुल होता है उसको बोलते हैं डीकार्बोनिलेशन, डीकार्बोनिलेशन। अब ये डीकार्बोनिलेशन क्या वाला है तो मुझे भी ज़रा गूगल करके बता देना कि डीकार्बोनिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, कुछ काम अपने आप भी करो। इसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कि एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको बताया विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B5 एंड एक और एंजाइम्स, सॉरी एक और आपका विटामिन था जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा था। अब एनर्जी का प्रोडक्शन आपका डिफरेंट डिफरेंट जो है मिनरल्स से हो सकता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, इन से हो सकता है। तो आपको याद रखना कहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, कहाँ पर आपका लिपिड्स से हो रहा है, कहाँ पर आपका किसी और दूसरे चीज़ से हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू करवाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो विटामिन B1 होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, जब आपके न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है तो जो ये TPP TDP होते हैं ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प करने वाले हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तब हम TPP एंड TDP का रोल देखने वाले हैं। तो याद रखना विटामिन B1 क्या काम करेगा, आपका न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कराने में काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद B2 की बारी आती है। याद रखना B1 से हमारे वेरिवेरे रोग भी होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपने खैर अपने मिडिल जो बीच की क्लास होंगी उनमें पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद अब आता है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है FADH2 होती है। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, FADH2। और याद रखना राइबोफ्लेविन से ही हमारा सबसे पहले हमारा बनता है FMN, ठीक है ना, FMN बनता है। तो ये FMN क्या वाला है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद इसी FMN से हमारा बनता है FAD, यानी कि आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से हमारा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। और इनके ही रिडक्शन से हमारा FAD बनता है एंड FADH2 बनता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हमारा ये फॉर्म बनती है, ठीक है ना। रिडक्शन क्या होता है आपका और आपका जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ शायद, मेरे तो यही याद है कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में तो मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ, तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो B2 क्या होता है कि B2 में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, ठीक है ना। B2 आपका रिडोक्स रिएक्शन करता है। B2 क्या से रिएक्शन करता है, आपकी रिडोक्स रिएक्शन करता है। रिडोक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका एक साथ होने वाला होता है, ठीक है ना।
इसके बाद याद रखना कि ये भी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड स्टफ, फूड स्टफ से कहेगा लिपिड की ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस में हेल्पफुल होने वाला है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि V2 जो होता है वो लिपिड की ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस में आपका हेल्पफुल होता है, स्टेटमेंट CSIR में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद B3 पे आते हैं, B3 को हम नियासिन बोल देते हैं, नियासिन कह लो या फिर निकोटीन एमाइड कह लो, बात आपकी एक ही है, ठीक है ना। इसके जो एक्टिव फॉर्म होती है, एक आपकी NADH होती है, एक होती है आपकी NADPH। दोनों के बायोलॉजिकल फंक्शन, जो बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं, वे सेम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होना। बट याद रखना NADH जो होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन, याद रखना लैक्टिक फर्मेंटेशन एंड लिपिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टिक फर्मेंटेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि आपके जो NADPH होते हैं वे सिंथेसिस करते हैं लिपिड की, न्यूक्लियोटाइड की एंड न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, एक प्रकार के आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद NADPH ऑक्सीडाइज होकर के आपका एंटीऑक्सीडेशन की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेशन क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन, यानी कि आपके शरीर में जितने भी डिटॉक्स बनना है, यानी कि आपके शरीर में जितने भी दवाई या फिर रुक रहे हों, ड्रग्स रुक रहे हों, तो उन सबको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि एक प्रकार से आपकी बॉडी को प्यूरीफाई करने का काम करता है NADPH, ठीक है ना। इसके बाद एंटी पैथोजन एक्शन भी होता है इस NADPH के बारे में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम फंक्शन वैसे नहीं पढ़ रहे कि डिटेल में जाकर, बट विटामिन का जब दूसरा आपका लेक्चर आने वाला है तो हम सारी के सारे टर्म्स को देखने वाले हैं, और पर्टिकुलर वो भी लेक्चर आपका थोड़ा लंबा जाएगा, बट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं विटामिन B5 की तरफ। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पेंटो, पेंटो मतलब 5 और विटामिन 5, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके पास यो जो इसकी जो को फैक्टर होता है या फिर एक्टिव फॉर्म होती है, यो वर्क करता है एज ए को एंजाइम, को एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है ना। बायोकेमिकल फंक्शन जो होता है इसका एसाइल ट्रांसफरेज होता है, यानी कि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल, यानी कि देखो भाई एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो रहा है, फैटी एसिड का सिंथेसिस करेगा आपका विटामिन B5। फैटी एसिड का सिंथेसिस कौन करने वाला है आपका विटामिन B5। इसके बाद विटामिन 6 पे पास चलते हैं। विटामिन 6 को हम पायरीडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है पायरीडॉक्सल फॉस्फेट। क्या फॉर्म होती है, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, यानी कि PLP। ये क्या काम करता है, ट्रांस एमिनेशन में काम करता है, रिसेमिजेशन में काम करता है, इसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन में काम करता है एंड बीटा गामा एलिमिनेशन में काम करता है आपका पायरोडोक्सिन। इनकी क्या क्या इनका मतलब होता है तो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे बात करने वाले हैं 1x1 टर्म का। अगर आपको जो है अभी जानना है तो गूगल कर सकते हो, और जो आपके साथ के पढ़ने वाले हो आप उन्हें भी बता सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स देखता है। अगर आप उसे कुछ बता दोगे इनकी जो मतलब इनकी डेफिनेशन ही बता देना, एक शॉर्ट डेफिनेशन, तो उनकी भी हेल्प हो सकती है, ठीक ना। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल सेलुलर रोल क्या होता है, कि अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन में, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में, ठीक है ना। यानी कि जो अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होते हैं या फिर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होते हैं उनमें हेल्प करता है विटामिन B6। और याद रखना कि चाहे आपका विटामिन B6 हो, विटामिन B9 हो या फिर विटामिन B12 हो, वो हीमेटोपोएटिक सेल का निर्माण करता है। यानी कि अगर विटामिन B6, B9 और B12 इन तीनों की आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको एनीमिया होना मतलब एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। अब एनीमिया भी तीन टाइप के होते हैं, एक मेजर एनीमिया, माइल्ड एनीमिया और एक आपका सिंपल एनीमिया, ठीक है ना। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। तो अब आपको वैसे मैंने आगे बता रखा है कि किससे कौन सा वाला एनीमिया होने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देखो 6 और 9 के बीच कितने का फ़र्क, 3 का फ़र्क है, और 9 और 12 के बीच में कितने का फ़र्क, तो 3 का फ़र्क है, है ना। और तीन चीज़ है, तीनों के तीनों आपका कौन सा मेजर कॉज कर रहे हैं, एनीमिया कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों आपका हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। इस पायरो ये जो आपका पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन के आपके
काफ़ी सारे कोएंजाइम्स और पाए जाते हैं जो मैंने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद B7 की बात करते हैं। B7 को हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। विटामिन B7 को हम आपका बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी एक्टिव फॉर्म ही आपकी बायोटिन होती है। इसकी एक्टिव फॉर्म बायोटिन होती है और कार्बोक्सीलेशन का काम करते हैं, यानी कि कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड ना, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होगी और फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, ठीक है ना। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका कार्बोक्सीलेशन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है तो वहाँ पर आपका वो रिएक्शन आपकी कार्बोक्सीलेशन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड सेलुलर रोल में ग्लूकोज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तब ये काम करता है, यानी कि आपने देखा होगा O2 प्लस CO2 प्लस CO2 मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो O2 का यहाँ पर जो क्या होने वाला है, O2 का यूज हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कार्बोक्सीलेशन। इसके बाद ल्यूसीन की सिंथेसिस में, ल्यूसीन एक आपका अमाइनो एसिड होता है, तो उसके सिंथेसिस में ये आपका बायोटिन हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वन कार्बन ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक किसी भी रिएक्शन में एक कार्बन ग्रुप को एक आप जैसे कि मान लो ये A प्लस बी, ठीक है ना, A प्लस बी है, यहाँ से कोई भी रिएक्शन होगी तो वो बनाएगी C प्लस डी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इस बी पे कार्बन है तो कार्बन अब ट्रांसफर हो जाएगा इस C पर, यानी कि C ग्रुप का ट्रांसफर कराता है आपका कौन, फोलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में आपके हेल्पफुल होते हैं। अब बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, इसको कोवेलामाइन के नाम से जानते हैं, और इसमें कोरिन रिंग होती है। क्या होती है इसमें, कोरिन रिंग होती है। कोरिन रिंग क्या होती है, सेम जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन के बीच में आपका आयरन होता है, वो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 पायरोन रिंग होती है। तो इस कोवेलामाइन में आपका कोबाल्ट बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट बीच में पाया जाता है, और 4 पायरोल रिंग होती है आपकी, इसमें भी 4 पायरोल रिंग होती हैं, और ये जो है ये फॉर्म आपकी कोरिंग रिंग कहलाती है। ये फॉर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कोरिंग रिंग, ठीक है ना। अब इसका जो है काफ़ी सारे आपके एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है ना, इसके काफ़ी सारे एक्टिव फॉर्म होती है, बात करेंगे हम विटामिन के जब दूसरे लेक्चर में चलेंगे। बट यहाँ पर याद रखना कोएंजाइम बी ट्वेल्व ही आपका जो है एक्टिव फॉर्म होने वाली है, ठीक है ना। डिहाइड्रोक्सी कोवेलामाइन भी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना ये सब डिहाइड्रोक्सी कोवेलामाइन, ये क्या काम करता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में हेल्पफुल करता है, मिथाइल का ट्रांसफर यानी कि CH4, ठीक है ना, CH4 मिथाइल का ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे A प्लस B कोई रिएक्शन है, वहाँ पर C+D बनना है, तो अब यहाँ पर कार्बन का ना होकर के CH4 ग्रुप जो है इसका ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है ना। तो वो कराता है आपका B12। अब इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में, फोलिक एसिड एंड रीजनरेशन में, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका विटामिन सी होता है, विटामिन सी का हम साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोल देते हैं, और इसकी एक्टिव फॉर्म आपकी एस्कॉर्बिक एसिड ही होती है, ठीक है ना। अब इसका जो है आपका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है कि प्रोलीन के हाइड्रोक्सीलेशन में, आपको पता होगा कि जब हम कोलेजन हमने पढ़ा तो वहाँ पर प्रोलीन का हाइड्रोक्सीलेशन होता, और अगर वहाँ पर आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता तो आपका कोलेजन भी नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। तो याद रखना प्रोलीन के हाइड्रोक्सीलेशन में, प्रोलीन का हाइड्रोलेशन, लाइसिल का हाइड्रोलेशन वहाँ पर हो रहा था, और वो कौन करवा रहा था, तो विटामिन सी आपका वहाँ पर करवा रहा था, ठीक है ना। इसके बाद रिडक्शन में, मैं आपको रिडक्शन बता चुका हूँ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। इसके बाद कोलेजन सिंथेसिस, जो आपका प्रोलीन हाइड्रोक्सीलेशन है वो कोलेजन की सिंथेसिस में, और रिडक्शन आपका एंटीऑक्सीडेशन में होता है, एंटीऑक्सीडेशन में आपका रिडक्शन होता है, ठीक है ना। इसके बाद विटामिन डी को हम कैल्शिक
कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, और इसका जो मतलब जो इसका एक्टिव फॉर्म होती है वो कैल्सी ट्रायोल होती है या फिर कोल कैल्सी ट्रायोल, यानी कि विटामिन डी थ्री जो होती है, विटामिन डी थ्री जो होती है इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, उसमें से भी कौन सी आपकी 125 हाइड्रोक्सी कैल कैल्सी टैरोल, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, बात करेंगे हम आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि जीन के एक्सप्रेशन में और बोन की ग्रोथ में हेल्पफुल भूमिका निभाता है, यानी कि इस विटामिन डी का, ये देखो विटामिन डी जो होता है आपका, आप मगर मैं आपको कहूँ कि आपका शरीर फोटोसिंथेसिस करता है, आपका शरीर फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या आप यकीन करोगे? तो आप कहोगे कि सर हमारा शरीर कैसा फोटोसिंथेसिस करता है, बट ये डी जो होता है इसी प्रकार से सिंथेसिस होती है जैसे कि आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि विटामिन डी जो होता है आपका प्रोटीन मतलब जो है सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे फोटोन की ज़रूरत होती है, आपके स्किन के थ्रू बनेगा बट वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, फिर आपके लीवर में जाएगा, लीवर में भी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, फिर आपके किडनी में जाएगा जहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 125 देखो यहाँ पर इसका जो नाम होगा 125 वन अलग है फिर डैश है 25 है हाइड्रोक्सी आपका कैल्सी टैरोल हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी कैल्सी टैरोल इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो होने वाली है। और याद रखना डी जो आपका विटामिन डी है ये एक हारमोन्स की तरह भी काम करता है, ये आपका एक हारमोन्स की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या ऐसा काम करेगा जीन के एक्सप्रेशन में यानी कि बहुत ग्रोथ में, और याद रखना कि विटामिन डी जो होता है जब ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म की तरफ जाता है तो इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मेनली जो विटामिन डी का काम होता है वे आपकी बोन में कैल्शियम को बनाए रखने का होता है, बोन में कैल्शियम को बनाए रखने का काम विटामिन डी का होने वाला है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, अब आपके दो और एंजाइम्स बचे, इसके एक का नाम है विटामिन ई, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसकी कोई एक्टिव फॉर्म नहीं है बट ये रिडक्शन का काम आपका करता है, किसका काम करता है आपका रिडक्शन का काम करता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है या अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपके अंदर अनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है ना, अनफर्टिलिटी। तो याद रखना ये काम करेगा आपका एंटीऑक्सीडेशन की तरह, रेगुलेशन ऑफ कोएंजाइम एक्शन एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद के टू की बारी आती है जिसको मीनाक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन आपका विटामिन के वन होता है, ये ग्लूटामेट गामा कार्बोक्सिलेशन करेगा, इसको मत भूलना भाई साहब क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है। मुझे जुखाम हो रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है ना, जुखाम हो रहा है पहले बता देता तो मेरी नाक में जो है थोड़ी सी ना मिट्टी मिट्टी खा जा रही है। ग्लूटामेट गामा कार्बोक्सिलेशन, तो आप देखो ग्लूटामेट गामा कार्बोक्सिलेशन आपको पता होगा विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग में हेल्पफुल भूमिका निभाता है, अदर भी कुछ इसके फंक्शन होते हैं जैसे कि मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी यानी कि कैल्शियम को भी स्टोरेज करवाता है बोन के अंदर, यानी कि विटामिन डी और विटामिन के जो होता है वो कैल्शियम को स्टोर करवाने का काम करता है आपकी बोन के अंदर, ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो आई होप आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखो दो चीज़ होते हैं विटामिन, विटामिन फैट सोल्यूबल एडक हो सकते हैं, आपके विटामिन वाटर सोल्यूबल जो हो सकते हैं, बाकी जितने बचे डब्ल्यू बी सी हो सकते हैं। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं। तो आप याद रखना आपके मिनरल्स जो हैं अधिकतर जो जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं अधिकतर एज ए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं को फैक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कि कैसे होते हैं नेचर में इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि जो आपके विटामिन्स होते हैं विटामिन्स आपके को और मतलब को एंजाइम की तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं को एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंजाइम्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो जैसे कि लिखा हुआ है कोफैक्टर, जो तो कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मेटलो एंजाइम्स हो सकता है, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हो सकता है, ऑर्गेनिक में आपका सिंपल कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो मेटल और आपका मेटलो एंजाइम्स में कौन कौन से मतलब क्या डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस मैंने आगे मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं,
तो आप एक बार यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका कोएंजाइम कोफैक्टर में क्या अंतर होता है तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर कोएंजाइम कोफैक्टर के बारे में दोबारा लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना, पढ़ जरूर लेना। कोई अगर पॉइंट क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेटल एक्टिवेशन एंड मेटल मेटलो एंजाइम्स, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, इनमें क्या फ़र्क होता है तो आप एक बार पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ गाइज ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना इसमें बच गया है विटामिन का, जब लेक्चर नंबर दूसरा आएगा यानी कि वो लेक्चर आपको मिलेगा मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म में मिलेगा, तब हम बड़े ही डिटेल से और तसल्लीपूर्वक पढ़ने वाले हैं उसको। बट गाइज आप जो है ना, आप थोड़ा ध्यान नहीं रख रहे, ना ही तो आप वीडियो को शेयर करते, ना वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो मतलब काफ़ी बुरा सा लगता है, ठीक है ना। तो कमेंट करा करो, वीडियो को शेयर करा करो, जिनका औरों का फायदा, क्या आपका, आपकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना, आपकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा होता है तो उसमें आपको ही दुआएं मिलेंगी, ठीक है ना, तो उसमें आपको ही दुआएं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है।